अब हम देखते हैं जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं अभी तक क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहला देखिए आप, मोनार्की सिस्टम था, लुई XVI का टाइम था, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन किया लोगों ने, वहां के सिटीजन ने, फिर फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बना, फिर हमने देखा था 9th में भी देखा था डायरेक्टरी रूल्स, फ्रांस डायरेक्टरी आई, लेकिन डायरेक्टरी के अंदर इनस्टेबिलिटी हुई, तो उसका बेनिफिट जो है, जो डायरेक्टरी में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई उसका फायदा जो है, उसका बेनिफिट जो है वो नेपोलियन ने उठाया और उसने अपने आप को क्राउन कर दिया और वो डिक्टेटरशिप में आया। वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में चेंजेस भी लेकर आया, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डेमोक्रेसी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए धीरे धीरे एमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास, जो कि ज्यादा एजुकेटेड थी, प्रोफेशनल थी, उन्होंने डिमांड करी कि अब हमें लिबरलाइजेशन जो है वो चाहिए मिडिल क्लास के लिए। पॉलिटिकली क्या लिबरलिज्म चाहिए, हमें कैसे फ्रीडम चाहिए, रिस्ट्रिक्शन जो है वो सारे हट जाने चाहिए, इकोनॉमिक लेवल पे हमने देखा। अब फिर क्या हुआ, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म के बाद नेपोलियन जो है वो डिफीट हुआ बाय सुपर पावर्स PRAB, जो कि मैंने आपको बताया था। फिर नेपोलियन के डिफीट होने के बाद फिर से एमर्जेंस हुआ कंजर्वेटिव्स का। अब हम कंजर्वेटिव्स के बारे में देखेंगे, तरीके से एकदम वर्ड टू वर्ड जो है वो याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं द बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म दैट एमर्ज आफ्टर 1815। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल बिलीफ के वो उनकी एक्चुअल में थिंकिंग क्या थी। तो सबसे पहला यही दे रखा है जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, वो यही चाहते थे कि इंस्टीट्यूशंस और ये सब जो हैं वो प्रिजर्व रहे, उनके जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हैं, और वो ये भी चाहते थे कि जो भी मोनार्की सिस्टम, चर्च सिस्टम, जो सोशल हायरार्की का सिस्टम है, मतलब क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो प्रिजर्व रहे और बिल्कुल भी चेंजेस ना आए। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद उनकी भी थिंकिंग में हल्की सी थोड़ी थोड़ी चेंजेस जो है वो आए, जो कि हम देखेंगे बिलीफ ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म में, जो कि यहाँ पर दे रखा है। वो ये चाहते थे, जो भी कंजर्वेटिज्म जो थे वो मोस्ट ऑफ देम ये चाहते थे कि जो भी नेपोलियन जो मॉडर्नाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आया है वो भी रहे, और कंजर्वेटिव बिलीव दैट मॉडर्नाइजेशन जो है वो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन भी करेगा, स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। और कंजर्वेटिव जो थे उनकी ये थिंकिंग थी कि अगर हमें ये चार चीजें जो है, अगर हम ये हमारे सिस्टम में रखेंगे तो हमारा मोनार्की सिस्टम जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो हमें याद रखना है मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी सिस्टम होना चाहिए, एक इकोनॉमी जो है वो डायनेमिक होनी चाहिए, चेंजेस के साथ साथ चेंजेस आ जाए इकोनॉमी में, और जो भी फ्यूडलिज्म और सर्फडम सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से अबॉलिश हो जाए, उसके बारे में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब हम ये देखिए, आपको शॉर्ट में दे रखा है ओल्ड बिलीफ न्यू बिलीफ, हमें डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट जो है वो डेफिनेशन का पार्ट ही लिखना है। नेक्स्ट प्रिजर्विंग मोनार्की चर्च और सोशल क्लासिफिकेशन जो है वो प्रिजर्व रहना चाहिए, और न्यू बिलीफ की बात करें तो वो ये देखते थे कि चेंजेस जो नेपोलियन लेकर आए थे वो हमारे सिस्टम को, हमारे इंस्टीट्यूशन को, हमारे मोनार्कल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द वियना कांग्रेस, जो कि कंजर्वेटिव जो थे उन्होंने एक मीटिंग करी थी वियना में, तो इसीलिए हमने इसका नाम है द वियना कांग्रेस 1815। तो सबसे पहला वही पॉइंट है, नेपोलियन को चार सुपर पावर्स PRAB ने डिफीट कर दिया था बैटल ऑफ वाटरलू में। अब वो जो उन्होंने डिफीट किया था सुपर पावर्स ने, वो मिले वियना में ताकि के वो यूरोप का सेटलमेंट कर सके, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम रखा जाए। अब जो वियना कांग्रेस जो था उसको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट जो डेलीगेट्स वहां पर थे, जो कंजर्वेटिव जो थे साथ में मिले थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना को साइन किया। ट्रीटी मीन्स एग्रीमेंट, उन्होंने एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया। अब हम देखते हैं जो कंजर्वेटिज्म जो थे उन्होंने जो ट्रीटी करी थी उसका मेन फोकस क्या था। मेन फोकस उनका ये था कि वो पीस और स्टेबिलिटी जो है यूरोप में फिर से री एस्टेब्लिश करे, और पीस और स्टेबिलिटी जो है वो अगर हमें रखनी है तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, स्ट्रैटेजी टू इंश्योर पीस इन यूरोप। सारे सुपर पावर जो थे PRAB, उनमें बैलेंस ऑफ पावर रहे, सबको इक्वल पावर मिले, तो इस तरीके से वो पीस और स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन करेंगे। ये जो है स्पेसिफिकली आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो रिसेंट सैंपल पेपर जो है उसमें दिया गया है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ऐड कर दिया, तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में हमें
तीन चीजें याद रखनी है इसके एम, मेन इंटेंशन और पर्पस, एंड देन प्रोविजन। तो सबसे पहला एम और पर्पस या इंटेंशन जो है वो कहीं ना कहीं सेम है, सिमिलर है, बट बिकॉज हमें टेक्स्ट बुक में दे रखा है तो 1 मार्क में हमें एम्स भी पूछ सकते हैं या मेन इंटेंशन भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला ट्रीटी ऑफ वियना जो साइन की गई थी उसका मेन एम यही था कि जो भी नेपोलियनिक वॉर्स के टाइम पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए थे उसको फिर से रीस्टोर या अंडू कर दिया जाए और कंजर्वेटिव रिगाइन या रीजन जो है वो फिर से लेकर आए। नेक्स्ट इंटेंशन की बात करें तो उनका इंटेंशन ये था कि वो रीस्टोर करें मोनार्की को जो कि नेपोलियन ने ले ली थी, तो रीस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, एंड नेक्स्ट एक नया कंजर्वेटिज्म जो है वो यूरोप में लेकर आए। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। तो इसके अंदर हमें 4 पॉइंट जो है वो एकदम अच्छे से याद रखने हैं, एग्जामिनेशन में भी काफी बार पूछते हैं। सबसे पहला जो मोनार्कियल सिस्टम जो उसको ये देखिए हमें यहाँ पर देखा था मोनार्की सिस्टम को रीस्टोर करना है तो बर्बन डायनेस्टी को फिर से रीस्टोर कर दिया गया। नेक्स्ट फ्रांस जो नेपोलियन ने जो भी टेरिटरीज एनेक्स करी थी तो फ्रांस से फिर से वो ले ली गई। नेक्स्ट फ्रांस का फर्दर एक्सपांशन ना हो इसीलिए उसके बाउंड्रीज पे अलग अलग स्टेट जो है वो सेटअप कर दिए गए। ये देखिए आपको फॉर एग्जाम्पल द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड जो है वो नॉर्थ में सेटअप किया गया, जिम्नोवा को एड कर दिया गया पेटकॉन रीजन में, इन द साउथ प्रशिया को मिले इंपॉर्टेंट टेरिटरीज वेस्टर्न फ्रंटियर्स में, और ऑस्ट्रिया को कंट्रोल मिला नॉर्दर्न इटली का। नेक्स्ट हम देखें जर्मन कन्फेडरेशन लेफ्ट टर्न, जो नेपोलियन जो 39 प्रिंसली स्टेट जो लेकर आया था उसने कोई भी वो चेंजेस जो है वो नहीं लेकर आए, उसको अनटच रहने दिया, और रशिया को मिला पोलैंड, वाज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, और प्रशिया को सैक्सनी का पार्ट जो है वो मिल गया। आई होप आपको ये प्रोविजन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गए हो। इसको हम अगर शॉर्ट में देखें तो सबसे पहला वियना कांग्रेस आया, उनका मेन फोकस ये था कि वो एस्टैब्लिश करे पीस एंड स्टेबिलिटी, और उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, अगर उन्हें पीस एंड स्टेबिलिटी लेकर लानी है तो उन्हें जो भी पी आर ए बी जो सुपर पावर जो है उनके बीच में बैलेंस ऑफ पावर लेकर आना है। देन हमने ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में देखा, उसका एम यही था अनडूइंग चेंजेस जो कि नेपोलियन के टाइम पर आए थे, और उनका इंटेंशन यही था कि मोनार्कियल सिस्टम जो है वो फिर से रिस्टोर हो जाए और कंजर्वेटिज्म सिस्टम जो है वो फिर से आ जाए। नेक्स्ट हमने प्रोविजंस की बात करी तो 4 प्रोविजन बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया, जो भी टेरिटरीज जो थी फ्रांस ने जो एनेक्स करी थी वो फिर से ले ली गई, और फ्रांस की बाउंड्री पर उनके एक्सपांशन के लिए फ्रांस का एक्सपांशन जो है वो ना हो इसीलिए अलग अलग स्टेट जो है वो बनाए गए। ये देखिए आपको दे रखा है नॉर्थ में नीदरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया को कंट्रोल मिल गया नॉर्दर्न इटली का, साउथ की बात करें तो जेनोवा को ऐड कर दिया गया पेडमोंट एरिया में, और वेस्टर्न पार्ट में प्रशिया को अलग अलग टेरिटरीज जो है वो मिल गई। नेक्स्ट है जो जर्मन कन्फेडरेशन जो 39 प्रिंसली स्टेट्स जो आया था मेजर वो नेपोलियन के टाइम पे वो वही रहने दिया, कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं लेकर आए। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे द रिवोल्यूशनरी। अब कंजर्वेटिव सिस्टम जो है वो फिर से एस्टैब्लिश हो गया था, अब धीरे धीरे जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके मन में भी यही आने लगा कि अब हमें पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए। तो रिवॉल्यूशनरीज जो थे अलग अलग हम पर्सनालिटीज देखेंगे उन्होंने किस तरीके से स्टेप लिए फिर से कंजर्वेटिज्म क्राइम को हटाने के लिए। तो सबसे पहला देखिए आपको ये लिखा है रिवॉल्यूशनरी स्प्रेड द आइडियाज इन यूरोप आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म के आने के बाद फिर से रिवॉल्यूशनरीज की एंट्री हुई। तो सबसे पहला ऑटोक्रेटिक रूल जो 1815 के बाद आया था जो ट्रीटी ऑफ वियना जो था उसकी वजह से लिबरल नेशनलिस्ट के अंदर काफी ज्यादा क्लियर हो गया था कि ये हम पर स्टेप्स ले सकते हैं, हमें हार्म कर सकते हैं, इसीलिए वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जो है रिवॉल्यूशन जो है वो सीक्रेटली करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब उन्होंने रिवॉल्यूशनरी को अलग अलग रिवॉल्यूशनरी को इंस्पायर करने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज एस्टैब्लिश करी ताकि के वो अलग अलग रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन कर सके, ट्रेनिंग दे सके, और उनके रिवॉल्यूशन से रिलेटेड आइडियाज जो है वो फैला सके, स्प्रेड कर सके। नेक्स्ट, अब रिवॉल्यूशनरी है तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपोज करेंगे मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो कि वियना के ट्रीटी में फिर से रिस्टोर कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने लड़ाई करी फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड द थॉट द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। हमें अगर साथ में रहना है तो हम साथ साथ हैं वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, नेशन स्टेट जो है वो क्रिएट होने चाहिए। नेक्स्ट, उन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो क्रिएट करी, ये पॉइंट वही है जो हमने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल गिज़ेपे मेज़िनी की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, उन्होंने यंग इटली
और यंग यूरोप जो है वो फॉर्म किया ताकि के वो यूनिफिकेशन कर सके, जो ब्रोकन इटली है इटली को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था उसको वो फिर से यूनिफाई कर सके। अब पॉल मेज़नीक से इंस्पायर होकर बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में सेटअप हुई। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म जो है बहुत रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन ऑफ यूरोप, तो ये थिंकिंग लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की उसकी वजह से काफी लोग रिवॉल्यूशन या रिवोल्ट करने लगे इन द रीजन ऑफ यूरोप, लाइक प्रोविंस लाइक द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर जहां पर मुस्लिम एम्पायर था, आयरलैंड, पोलैंड, इटली एंड जर्मनी में था ही, उसके अलावा ये सारे प्रोविंसेस में भी लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के थॉट जो है वो एमर्ज होने लगे। अब हम देखते हैं स्पेसिफिकली ग्यूसेपे मेज़नी के बारे में। आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ क्या लिखा गया है ग्यूसेपे मेज़नी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें एग्जाम में शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट को मैंने एकदम क्रक्स में कर दिया है। देखिए आप, ग्यूसेपे मेज़नी सबसे पहला वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, उनका बर्थ जो है वो 1807 जिनोवा में हुआ था। नेक्स्ट वो कार्बनरी एट द एज ऑफ 24 उन्हें एक्साइल भेज दिया गया था बिकॉज उन्होंने लिगेरिया में रिवोल्यूशन किया था अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म रिगार्डिंग, तो उन्हें निकाल दिया गया था। और एक और पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, वो मेंबर थे कार्बनरी के एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम कार्बनरी था, उसमें वो मेंबर थे। नेक्स्ट हम देखें, आफ्टरवर्ड उन्होंने अपना काम जो है वो चालू किया और सीक्रेट सोसाइटी ढूंढी, एक जो थी वो यंग इटली थी जो कि मार्सेल्स में बनाई उन्होंने, और एक थी यंग यूरोप जो कि बर्न में उन्होंने एस्टेब्लिश करी। इनको देखकर दूसरे जो थे मेज़नी, जो दूसरे रिवॉल्यूशनरी थे, वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो फॉर्म करी, जैसे कि एग्जाम्पल जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। और ये रिवॉल्यूशनरीज को देखकर कंजर्वेटिज्म जो थे वो काफी ज्यादा डरने लगे कि कहीं फिर से हमारा रिकाइन जो है वो चलाना जाए। और मेज़नी के नॉन स्टॉप अपोजिशन वो इतना रिवोल्ट करते थे कि उसकी वजह से टुवर्ड्स मोनार्की एंड हिज विजन फॉर ब्रिंगिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो था, ये रीजन थे जिसकी वजह से बहुत सारे कंजर्वेटिव जो थे वो काफी ज्यादा उनसे डरने लग गए थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूक मेटरनिच ने ये उनको डिस्क्राइब किया है कि वो हमारे सोशल सिस्टम या सोशल ऑर्डर के लिए काफी ज्यादा डेंजर है, हमारा जो कंजर्वेटिज्म का जो सोशल सिस्टम जो है वो फिर से रोइन ना कर दे, तो उन्होंने ये कोट जो है वो दिया था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए कंजर्वेटिज्म उनसे काफी ज्यादा डरने लगे थे बिकॉज वो काफी ज्यादा रेवोल्यूशन फैला रहे थे अगेंस्ट मोनार्की एंड कंजर्वेटिज्म सिस्टम, एंड ड्यूक मेटरनिच ने उनको बताया कि वो मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के। तो ये था पूरा टॉपिक ग्यूसेपे मेज़नी से जो कि एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं धीरे धीरे आफ्टर ग्यूसेपे मेज़नी एज ऑफ रिवोल्यूशन अगेंस्ट कंजर्वेटिव काइंड जो है वो चालू हो गया, एंड द टाइम पीरियड इज 1830 टू 1848। तो एकदम शॉर्ट में हम देख लेते हैं इस टॉपिक को, 1830 टू 48 टाइम पीरियड में बहुत ही ज्यादा टेंशन और अनरेस्ट था। एक साइड पर कंजर्वेटिज्म जो है वो पावरफुल बनना चाहते थे और दूसरी साइड पर रिवोल्यूशनरी जो थे उन्हें लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो एमर्ज हो गई थी। तो दो साइड के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिवोल्यूशनरीज के बारे में लिखा गया है कि वो एडुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और उनके अंदर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और मेंबर्स जो थे कॉमर्शियल मिडिल क्लास के वो बिलोंग करते थे। तो ये हमें सिंपल सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा है। अब एज ऑफ रिवॉल्यूशन में हमें दो पार्ट एकदम अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहला है 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था और दूसरा है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि शॉर्ट नोट में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। सबसे पहला फर्स्ट अपहेवल जो है रिवोल्ट जो है वो फ्रांस में हुआ था इन जुलाई 1830 कंजर्वेटिज्म रिगाइन के आने के बाद। बर्बन किंग जो है फिर से क्या हुआ, जो बर्बन किंग जो रिस्टोर किया गया था ट्रीटी ऑफ वियना में फिर से ओवरथ्रो कर दिया, उनको हटा दिया गया लिबरल रिवॉल्यूशनरी ने। अब हटाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई गई, मींस कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, मोनार्की सिस्टम भी रहेगा, बट मोनार्की को किंग को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम करना पड़ेगा, उसके पावर जो है वो लिमिट है कॉन्स्टिट्यूशन से। वॉज इंस्टॉल्ड, और ये अच्छे से याद रखना है, लुइस फिलिप को उनका हेड जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का हेड बनाया गया। और ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिस ने इस रिवोल्यूशन को देखकर जो कि एक कंजर्वेटिव थे उन्होंने बताया, जब फ्रांस नीज करता है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस यूरोप। इसका मतलब ये है कि अगर फ्रांस में कोई रिवोल्यूशन
पाप होता है तो उसका पूरा इंपैक्ट जो है पूरे यूरोप में देखा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था उसमें ब्रसेल्स की बात करें तो वहां पर भी अपराइजिंग या रिवोल्ट हुआ, जिसकी वजह से इस रेवोल्यूशन की वजह से बेल्जियम जो रिजल्टेड इन सेपरेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। तो इस रेवोल्यूशन की वजह से बेल्जियम जो है वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। तो इंपॉर्टेंट है जब हमें एज ऑफ रिवोल्यूशन की बात करें तो हमें दो रिवोल्यूशन अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट वन इज 1830 जुलाई रेवोल्यूशन एंड द नेक्स्ट इज प्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहला द प्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज द नेशनलिस्ट फीलिंग। प्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आने की वजह से जो ये हुआ उसकी वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो लिबरलिज्म की फीलिंग आने लगी और एजुकेटेड एलाइट के अंदर। तो सबसे पहला हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। फ्रीज जो है ये देखो आपको शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। सिंस 15th सेंचुरी की बात करें तो ग्रीस जो है वो किसका पार्ट था? ओटोमन एम्पायर का। धीरे धीरे स्ट्रगल जो है वो 1822 में चालू किया गया और ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था उसमें सपोर्ट मिला एक तो वेस्टर्न यूरोपियंस का, ये देखिए आपको फ्रॉम मेनी ग्रीक्स हु वर लिविंग इन एक्साइल्स, जो कि एक्साइल्स जिन्होंने रिवोल्यूशन किया था उनको निकाल दिया गया था, इनका सपोर्ट मिला और वेस्टर्न यूरोपियंस का सपोर्ट मिला जिनको बहुत ही ज्यादा सिंपैथी थी ग्रीक कल्चर के लिए। अब इनमें पोएट्स आर्टिस्ट ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उन्होंने सपोर्ट किया अगेंस्ट द ओटोमन या मुस्लिम एम्पायर को। अब हमें एक पोएट के बारे में लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड बायरन जो थे उन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए पैसा या फंड्स को इकट्ठा किया, वो वॉर में भी गए लेकिन बिकॉज ऑफ फीवर 1824 में उनकी डेथ जो है वो हो गई। फाइनली एक ट्रीटी या एग्रीमेंट हुआ कॉन्स्टेंटिनोपोल का 1832 में, अ गैप ऑफ 11 इयर्स। 1821 में रेवोल्यूशन चालू हुआ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फाइनली 1832 में ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन बना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस ट्रीटी ऑफ विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो हमें याद रखना है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। तो ये दो टॉपिक जो थे हमें याद रखना है द एज ऑफ रिवोल्यूशन में, एक तो है 1830 जुलाई रेवोल्यूशन और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये इसी तरीके से आपको शॉर्ट में जो है वो याद रखना है। तो हमने रिवॉल्यूशन की एज ऑफ रिवॉल्यूशन की बात कर ली। अब धीरे धीरे लोगों में भी द फीलिंग ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन है। रोमांटिसिज्म का मतलब ये होता है देश के प्रति या नेशन के प्रति रोमांटिक होना कि हमें किसी भी हालत में नेशनलिज्म जो है वो स्पिरिट जो है वो लोगों के अंदर आनी चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन पार्ट, हमें पूछते हैं रोमांटिसिज्म का मीनिंग। तो रोमांटिसिज्म जो था वो एक कल्चरल मूवमेंट था जिसके अंदर डेवलप की गई लोगों के अंदर सिटीजन के अंदर नेशनल सेंटिमेंट या नेशनल इमोशन जो है वो लाए गए, उस मूवमेंट को हम बोलेंगे रोमांटिसिज्म। देखिए आपको इस तरीके से ही याद करना है पॉइंट टू पॉइंट। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था, क्यों था ये कल्चरल मूवमेंट, क्यों डेवलप किया गया था, ताकि के वो लोगों सिटीजन के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो है वो लेकर आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग आंसर्स में भी पूछा जाता है। कल्चर जो था उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कल्चर की वजह से सिटीजन के अंदर लोगों के अंदर काफी ज्यादा नेशनलिज्म जो है वो एमर्ज हुआ उसके बारे में। तो ये हमें पूरा टॉपिक दे देंगे और यहाँ पर बोल देंगे कमेंट और जस्टिफाई कैसे भी करके आपको पूछ सकते। तो सबसे पहला देखिए, बिकॉज यहाँ पर आर्ट पोएट्री स्टोरी म्यूजिक जो था उनसे लोगों को इंस्पायर किया गया उनके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग लाने के लिए यूरोप में। रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे वो पूरी तरीके से साइंस और लॉजिक को क्रिटिसाइज करते थे और लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हेरिटेज और कॉमन कल्चर लाने के लिए वो फोकस करते थे उन्हीं के इमोशंस इंस्टीट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स में, के आर्ट और पोएट्री के थ्रू ही ये सब किया जा सकता है। तो वो पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते थे साइंस एंड रीजन एंड लॉजिक को। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे जॉन गॉटफायर हर्डर की, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे और उन्होंने ये क्लेम किया था कि अगर हमें जर्मन कल्चर लोगों के अंदर डिस्कवर करना है। अब यहाँ पर ये टर्म हमें अच्छे से याद रखना है, कॉमन पीपल जो था उन्हें दास वर्क बोला जाता था जर्मन में। तो अगर हमें कल्चर जो है वो क्रिएट करना है कॉमन पीपल दास वर्क में, तो उन्होंने क्या कहा दैट द
ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, ये भी अच्छे से याद रखना है. वॉकेजिस का मतलब होता है ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, ये हमें एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं. तो उन्होंने ये बताया कि अगर हमें कल्चर जो है वो लोगों के अंदर डिस्कवर करना है तो हमें कॉमन पीपल जो कि दास वॉक थे उसमें बढ़ाना पड़ेगा. और ही सेड दैट ट्रू स्पिरिट जो है, जो ट्रू स्पिरिट है नेशन की, वो फोक म्यूजिक, फोक डांसेस और फोक पोएट्री के थ्रू ही आ सकती है. वर्नैक्युलर लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज जो थी और फोकलोर जो है उससे भी काफी ज्यादा हेल्प मिली नेशनल स्पिरिट या फीलिंग्स को बढ़ाने में. अब हम एक और बात करते हैं, एक और पर्सनालिटी की, जिनका नाम था कैरोल करपेंस्की. इन पोलैंड, पोलैंड की बात करें तो कैरोल करपेंस्की जो थे उन्होंने नेशन स्ट्रगल या लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू बढ़ाई. दिस रिजल्ट और इन्हीं की कंट्रीब्यूशन की वजह से जो फोक डांसेस थे पोलोनाइज और मजल का जिसको नेशनलिस्ट सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया गया. आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना. इसको एकदम शॉर्ट में, सबसे पहले हमने रोमांटिसिज्म का मीनिंग देखा, वो एक कल्चरल मूवमेंट था दैट सॉट टू डेवलप फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन पीपल ऑफ यूरोप. अब कल्चरल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. सबसे पहला आर्ट पोएट्री म्यूजिक की वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई. फिर हमने रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट जो थे उनकी क्या बिलीफ थे, वो क्रिटिसाइज करते थे साइंस एंड रीजन को और वो फोकस करते थे इमोशन, इंस्टीट्यूशन और मिथिकल फीलिंग्स में. फिर हमने देखा जॉन गॉटफायर को, हर्डर को, जो उसमें हमने दो टर्म देखे दास वॉक और वॉकेगिस. दास वॉक इज कॉमन पीपल एंड ट्रू स्पिरिट. ये भी हमें, इसका भी क्वेश्चन जो है वो हमें ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं. वर्नैक्युलर लैंग्वेज को प्रमोट किया गया. और एक और पर्सनालिटी के बारे में देखा हमने, कैरोल करल स्पेन की, जो कि फोक डांस जो थे उन्होंने फोक डांस के थ्रू, ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग वो लेकर आए. और पोलोनाइज और मजुर का वो एज अ नेशनल सिंबल जो है वो बना दिया गया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लैंग्वेज टू प्ले एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. लैंग्वेज ने भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों के अंदर नेशनल की फीलिंग को एमर्ज करने में. तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको शॉर्ट में भी बताऊंगा. तो सबसे पहला देखते हैं, जब रशिया ने किसे ऑक्यूपाई कर लिया था, पोलैंड को, तो उन्होंने ऑब्वियसली बात है रशियन लैंग्वेज को सपोर्ट किया कि वही चलेगी, फोर्स किया कि रशियन लैंग्वेज ही बोलनी है. और जो पोलैंड की पोलिश लैंग्वेज जो थी उन्हें रिमूव कर दिया गया. अब इसकी वजह से क्या हुआ, पोलैंड जो थे वो रेबेल करने लगे अगेंस्ट रशियन रूल इन 1831. लेकिन बिकॉज रशिया वॉज पावरफुल उनको हरा दिया गया. ये देखिए फेल हो गए पोलैंड जो थे, वो पूरी तरीके से फेल हो गए. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इन ऑल द चर्चेस, लेकिन अभी भी पोलैंड वालों ने हार नहीं मानी. जो चर्चेस जो थे, क्लर्जी पीपल जो थे, उन्होंने यही बोला कि हम जो है उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट करेंगे और हम रशियन नहीं पोलिश लैंग्वेज का ही यूज करेंगे. और जितने भी लेक्चर्स मैसेजेस जो थे वो जब लोगों को बोलते थे तो वो इन्हीं लैंग्वेज में बोलते थे. देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है, इन ऑल द चर्चेस गैदरिंग एंड इन ऑल द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पॉलिश को यूज किया गया. लेकिन इसकी वजह से रशियंस को काफी ज्यादा गुस्सा आया, एंगर्ड हो गया, और जिन्होंने भी ऐसा किया उनकी बात नहीं मानी, उन्हें या तो जेल भेज दिया गया या उनको वहां से, उस रीजन से निकाल दिया गया था. रशियन अथॉरिटीज पुट लार्ज नंबर ऑफ रशियन बिशप्स इन जेल, या तो उन्हें साइबेरिया जो है वो भेज दिया गया पनिशमेंट एज अ पनिशमेंट के, उन्होंने रशियन लैंग्वेज जो है वो यूज नहीं करी. तो इसीलिए पॉलिश लैंग्वेज का यूज जो था या रोल ऑफ लैंग्वेज ने भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन क्रिएटिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन पावर और डोमिनेंस. तो ये भी हमें एग्जैक्टली यही पूछते हैं, लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, एक्सप्लेन जस्टिफाई. तो इसमें हमें ये याद रखना है, आपको ये देखिए आपको शॉर्ट में एकदम यहाँ पर दे रखा है, रशिया ने पोलैंड को एक्वायर कर दिया था, रशियन लैंग्वेज जो है उसको प्रमोट किया गया, पोलिश लैंग्वेज को रिमूव कर दिया गया. लेकिन अब पोलैंड जो था उन्होंने फाइट करी, रिवोल्ट किया अगेंस्ट रशिया, लेकिन पावरफुल रशिया था इसीलिए पोलैंड जो है वो फेल हो गया. लेकिन क्लर्जी पीपल्स जो थे जो कि पोलैंड में थे उन्होंने हार नहीं मानी. बिशप और जो वो थे उन्होंने यही कहा कि वी विल यूज पोलिश ऑनली, हम रशियन के अगेंस्ट जाएंगे. अब जो तो जो भी लेक्चर मैसेजेस जो थे वो पॉलिश में ही दे रहे थे. अब ये देखकर रशियंस को गुस्सा आया और जिन्होंने भी ऐसा किया उनकी बात नहीं मानी, या तो उन्हें जेल भेज दिया गया या उन्हें साइबेरिया भेज दिया गया एज अ पनिशमेंट. तो इस तरीके से लैंग्वेज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द कल्चरल नेशनलिज्म.
ई फेलिंग के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हंगर, लोग काफी ज्यादा भूखे थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी, और इस रीजन की वजह से लोग जो है वो रिवोल्ट करने लगे। तो ये भी रिवोल्यूशन का ये भी एक रीजन था, हंगर एंड हार्डशिप। तो देखते हैं, ये हमें एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। द ईयर ऑफ 1830s वर द पीरियड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830s का जो टाइम पीरियड जो था, वहां पे लोगों ने बहुत ही ज्यादा मुश्किलें या हार्डशिप देखी। हार्डशिप मीन्स डिफिकल्टी। तो क्या क्या रीजन से हम देखते हैं, अगर हमें ये क्वेश्चन आता है तो हमें ये चार पॉइंट जो है वो लिखकर आने। सबसे पहला रीजन ये था, क्यों इतना हंगर बढ़ा, क्यों इतना हार्डशिप या डिफिकल्टी फेस कर। सबसे पहला, एनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। काफी ज्यादा द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन जो थी यूरोप में वो काफी ज्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट, अब पॉपुलेशन तो बढ़ी, उसी के साथ साथ प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन की। बिकॉज लोगों के पास जॉब नहीं थी तो लोग जो है वो काफी ज्यादा माइग्रेट करने लग गए। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देयर वर मोर जॉब सीकर, जॉब ढूंढने वाले सर्चर्स जो थे वो काफी ज्यादा थे देन एम्प्लॉयमेंट, तो वो अनएम्प्लॉयड थे। और इसी रीजन की वजह से पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज जो थे वो ओवरक्राउडेड स्लम्स में जाने लगे। और ये इसी के साथ साथ जो कंपटीशन जो था इंपोर्ट्स का वो काफी ज्यादा था, लोकल्स को वो सपोर्ट नहीं करते थे। बिकॉज इंग्लैंड से चीप गुड्स जो आते थे वो उन्हें ही परचेज या सेलिंग की जाती थी, तो काफी ज्यादा कंपटीशन जो है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को फेस करना पड़ता था। ये देखिए, स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद अ स्टिफ कॉम्पिटिशन, जो कि इम्पोर्ट होता था, जो चीप एकदम सस्ते जो मशीन मेड गुड्स आते थे इंग्लैंड में, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो काफी ज्यादा एडवांस था। नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड पॉपुलरिज्म। पॉपुलरिज्म मीन्स पॉवर्टी। ओके, तो फूड राइजेस भी बढ़ रहे थे, उनके पास नौकरी नहीं थी, उनके पास जॉब नहीं थी, ना पैसा था, और इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी जो है वो टाउन में बढ़ रही थी, माइग्रेशन हो रहा था। तो ये चार रीजंस जो है हमें लिखने हैं। सबसे पहला हमने देखा एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन, नेक्स्ट इज स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट, एंड नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड पॉपुलरिज्म। अब हम देखते हैं The year of 1848, वो काफी ज्यादा बैड ईयर था, बिकॉज बहुत ही ज्यादा फूड की शॉर्टेज थी, फूड की शॉर्टेज तो थी, उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी था। तो उसी की वजह से लोग जो है वो रिवोल्ट करने आए, वो रास्ते पर आ गए पेरिस के लोग, और प्रोटेस्ट और रिवोल्यूशन जो था वो इतना बड़े स्केल पर था कि लुई फिलिप को वहां से भागना पड़ा। अब वो भाग गए तो एक नेशनल असेंबली जो थी वो बनाई गई, और वहां पर यह प्रोक्लेम किया गया या डिक्लेयर किया गया कि वो एक रिपब्लिक है, और नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि वो इट ग्रांटेड सफरेज टू ऑल द अडल्ट मेल्स जो कि अबाउट 21 है, और उसमें गारंटी दी गई कि सबको राइट टू वर्क मिलेगा। बिकॉज अनएम्प्लॉयड पीपल थे तो इसीलिए उनको राइट टू वर्क की गारंटी दी गई, और नेशनल वर्कशॉप बनाए गए ताकि के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा सके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम देखते हैं एक जो कि कभी कभी पूछ लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बिकॉज हमारे टेक्स्ट बुक में है तो हमें याद रखना देते हैं, दैट इज रिवोल्ट और अपराइजिंग इन सिलेसिया, जो कि 1845 में वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में हुआ था। तो ये भी हमें एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, द वीवर्स ऑफ सिलेसिया रिवोल्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जो सिलेसिया में वीवर्स जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स कौन थे। तो कॉन्ट्रैक्टर्स वो पीपल थे हु यूज्ड टू प्रोवाइड द वीवर्स विद द रॉ मटेरियल। वो वीवर्स को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, और वीवर्स जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके उनको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे। लेकिन क्या हुआ, पेमेंट मेड टू द वीवर्स बाय दिस कॉन्ट्रैक्टर वर रिड्यूस्ड। अब पेमेंट जो था, जो फिनिश गुड्स का जो भी काम जो था, पहले तो उन्हें अच्छे सपने दिखाए गए, लेकिन अचानक से उन्होंने क्या किया, जो प्राइसेस जो थी उसको एकदम कम कर दिया, और इसी रीजन की वजह से रिड्यूस टू अ वेरी लो अमाउंट। और इस रिडक्शन इन पेमेंट की वजह से वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। हाँ, ये भी हमें कभी कभार पूछ लेते हैं, जर्नलिस्ट विलहेम वॉल्फ जो थे उन्होंने इन दोनों वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में जो रिवोल्ट हुआ था उसे कैसे डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहला हमें यही दे रखा है कि वर्कर्स जो थे, बिकॉज
कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्राइस रिड्यूस कर दिए थे, तो काफी ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी और माइजरी थी और लोगों को बहुत ही ज्यादा जॉब की जरूरत थी। और इसका फायदा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने उठाया, पहले तो सबने दिखा दिए, काम दे दिया, लेकिन बाद में प्राइस रिड्यूस कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑन जून 4 एट 2 PM जो क्राउड जो थे वीवर्स के, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के हाउस में गए विद द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग इन वेजेस। तो वेजेस, हमारी मांग को पूरी करो, हमारे वेजेस को पूरी करो। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने उनके साथ बहुत ही ज्यादा मिसट्रीट किया या बदतमीजी की, और इससे बहुत ही ज्यादा वीवर्स को गुस्सा आया और वो कॉन्ट्रैक्टर के हाउस में घुस गए और उन्होंने काफी ज्यादा तोड़फोड़ करी। तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब किया गया, उन्होंने विंडो पैंस, फर्नीचर, जो पोर्सलिन होता है, जो कि चाइना वेयर पॉटरी होती है, उसको तोड़ दिया। वो गोडाउन में गए, स्टोर हाउस में गए और उन्होंने जो भी सप्लाई जो थे उन्हें फाड़ दिया, श्रेड कर दिया। और बिकॉज ऑफ दिस रेवोल्यूशन कॉन्ट्रैक्टर जो है अपनी फैमिली के साथ विलेज में भाग गया बचने के लिए, लेकिन विलेज वालों ने भी उन्हें कोई भी शेल्टर या मदद नहीं करी। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर अ गैप ऑफ 24 आवर्स वो फिर से आया कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट विद द आर्मी, और वहां पर उसने वीवर्स को शॉर्ट कर दिया, 11 वीवर्स को शॉर्ट कर दिया। तो एकदम शॉर्ट में हम देखते हैं, वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स थे, सिलेसिया की बात हो रही है, इनके बीच में रिवोल्ट हुआ। वर्कर्स काफी ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट रिड्यूस कर दिए। अब इसकी वजह से वर्कर्स जो थे या वीवर्स जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर के घर गए, वहां पर उन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी, विंडोज, फर्नीचर, पोर्सलिन जो थे उन्हें तोड़ दिया, स्टोर हाउस में गए और उन्होंने कपड़ा जो था उन्हें फाड़ दिया। और कॉन्ट्रैक्टर को इस रेवोल्यूशन की वजह से घर से भागना पड़ा अपनी फैमिली के साथ, बट वो रिटर्न हुआ आर्मी के साथ और इसका रिजल्ट ये था कि 11 वीवर्स को उसने मार दिया, शॉर्ट कर दिया। इस तरीके से हमें शॉर्ट में जो है वो याद करना है। आई होप आपको ये एकदम जो है क्लियर हो गया हो इससे। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखते हैं, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। यहाँ पे लिबरल्स की बात की गई है, रिवॉल्यूशन इन 1848 की बात की गई है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ पे देखिए हमने ये चीज देखी थी, ये देखिए आपको यहाँ पे था द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, यहाँ से एज ऑफ रिवॉल्यूशन चालू हो गया था। इसके अंदर हमने दो टॉपिक देखे थे, 1830 रिवॉल्यूशन, जुलाई रिवॉल्यूशन और फ्री वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट देखा। अब हम बात करेंगे जो रिवॉल्यूशन जो कि लिबरल्स ने किया था 1848 में। तो सबसे पहला देखते हैं, ये जो रिवॉल्यूशन जो था उसे किससे कैरी किया था, एडुकेटेड मिडिल क्लास पीपल ने ही कैरी किया था। और ये जो उन्होंने रिवोल्ट किया उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इवेंट ऑफ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1848 में फ्रांस में, उसकी वजह से रिमूव हो गए जो मोनार्की सिस्टम जो था वो एब्डिक्स हो गया और इसकी जगह एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक और वहां पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो कि मेल को ही वोटिंग राइट्स दिए गए। नेक्स्ट, जनरल जर्मनी, पोलैंड, इटली, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर जो थे अब वो डिड नॉट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, अलग अलग नहीं, अब वो एक साथ हो गए। अब डिमांड क्या थी लिबरल मिडिल क्लास पीपल की, जो मैन और वुमेन जो थे लिबरल मिडिल क्लास के, फ्रॉम दिस पार्ट रेज द डिमांड फॉर नेशनल यूनिफिकेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, के हमें नेशनली यूनिफाई होना है, यूनिटी में रखना है और इसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए। तो ये हमें ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं 1 मार्क्स में, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ लिबरल मिडिल क्लास पीपल इन 1848। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है, नेशनल यूनिफिकेशन विद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये हमें पूछते हैं, तो अच्छे से याद रखना है। दे डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट होना चाहिए, ऑन जो भी क्रिएट हो उसका बेसिस जो है वो पार्लियामेंट के हिसाब से, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के हिसाब से होना चाहिए। वो यह चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो और फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है, वो ग्रुप में बन सके, एसोसिएशन जो है वो बना सके। तो हमें ये अच्छे से याद रखना है डिमांड। अब इसी का रिजल्ट था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या दिया है, जिसका शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। तो जर्मन रीजन की बात करें, मैं आपको शॉर्ट में ही बताने वाला हूँ क्या लिखा गया है। तो देखते हैं, जर्मन रीजन्स में एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन था जिसके अंदर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन थे और रिच आर्टिशन थे। वो कहां पर मिले, फ्रैंकफर्ट में मिले और उन्होंने वोटिंग करी फॉर जनरल नेशनल असेंबली। ये देखिए आपको ये लिखा हुआ, एंड रिच आर्टिशन गैदर्ड इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली में वोटिंग करे। तो नेक्स्ट, ऑन 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो गैदर हुए सेंट पॉल चर्च में,
टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन्हें पोजीशन दे दी गई। डेट भी हमें अच्छे से याद रखनी, 18 मई 1848। रिप्रेजेंटेटिव्स थे 831 और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो सेंट पॉल चर्च में मिले। अब वहां पर क्या क्या प्रोसेसिंग होगी, सबसे पहला यही दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया। लेकिन यहाँ पे ये देखिए टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्ट किया गया लेकिन द जर्मन नेशन वॉज टू बी हेडेड बाय द मोनार्की। मोनार्की सिस्टम तो होगा लेकिन उसे पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहना पड़ेगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, मोनार्की सिस्टम तो रहेगा, किंग का रूल तो रहेगा लेकिन उसे भी पार्लियामेंट के कंट्रोल में ही, पावर्स में ही काम करना पड़ेगा। अब जब डेप्यूटीज ने क्राउन ऑफर किया फ्रेडरिच विलहेम को, तो उन्होंने जो कि किंग ऑफ प्रशिया थे, बिकॉज उन्होंने ये चीज टर्म एंड कंडीशन जमीने के हम मेरा रूल रहेगा लेकिन मुझे भी किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने क्या किया, वो ज्वाइन हो गए, ज्वाइन अदर मोनार्कीज, जो मोनार्कीज जो थे टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, वो मोनार्कीज के साथ जो कि मोनार्कल सिस्टम चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ मोनार्कल सिस्टम चाहते थे, उनके साथ वो मिल गए। अब अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री जो था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। मतलब पार्लियामेंट में एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री जो थे उनका अपोजिशन काफी ज्यादा बढ़ गया। और इसी दौरान मीनवाइल जो पूरा सोशल सिस्टम जो था पार्लियामेंट का, वो पूरी तरीके से जो मेन एम जो था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय या रुइन या एरॉड हो गया, बिकॉज ये जो इट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लासेस, इसीलिए पूरी तरीके से रुइन हो गया। और मिडिल क्लास पीपल जो थे वो कभी भी वर्कर्स की डिमांड को, आर्टिशंस की डिमांड को कभी भी पूरा नहीं करते थे, उन्हें इग्नोर करते थे, रेजिस्ट करते थे, इसीलिए उन्हें इनका मिडिल क्लास को इनका भी सपोर्ट नहीं मिला। और बिकॉज पार्लियामेंट सिस्टम पूरी तरीके से डिसबैंड हो गया, ब्रोक हो गया, इसीलिए ट्रूप को बुलाया गया और असेंबली को पूरी तरीके से, जो असेंबली जो थी नेशनल असेंबली जो इलेक्ट की गई थी मोनार्कल सिस्टम को हटाने के लिए, उसको डिसबैंड कर दिया गया। तो ये देखिए आपको एकदम शॉर्ट में दे रखा है। सबसे पहले हमने देखा जर्मन पीजेंस, फिर मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे, एक एसोसिएशन था जिसके अंदर मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन रिच आर्टिशन थे जो कि फ्रैंकफर्ट में मिले, उन्होंने वोट किया जनरल नेशनल असेंबली में। फिर वो सब जो थे वो डेलीगेट जो थे वो सेंट पॉल चर्च में मिले, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी, मोनार्की तो होना चाहिए लेकिन विद पार्लियामेंट्री रूल्स के साथ। तो ये जो ऑफर किया गया पोजिशन जो थी वो किंग का नाम था फ्रेडरिच विलियम को, लेकिन उन्होंने ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है जब देखी तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया और उल्टा उन्होंने मोनार्की सिस्टम को ही ज्वाइन कर लिया। और धीरे धीरे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था उन्हें वर्कर्स का, आर्टिशंस का सपोर्ट नहीं मिला, और धीरे धीरे ये जो नेशनल असेंबली जो थी वो डिसबैंड हो गई विद द हेल्प हेल्प ऑफ ट्रूप्स। तो ये था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इसके बारे में हमें शॉर्ट में भी पूछते तो इसे हमें अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको इससे भी बहुत ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिली हो। अब देखते हैं ये जो लिबरल रेवोल्यूशन जो थे उनका फाइनल फाइनल आउटकम क्या था इन 1848। फाइनली 1848 में दो द कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सक्सीड, वो अपने एम्स में सक्सीड तो हुए, उन्होंने लिबरल मूवमेंट्स को पूरी तरीके से रोकने की बहुत ज्यादा करी, लेकिन उन्होंने ये भी रियलाइज किया दैट सच रेवोल्यूशन कैन ओनली बी हैंडल बाय ग्रांटिंग सब सम कंसेशन टू, अगर हमें रहना है तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट या कंसेशन जो है वो लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को देने ही पड़ेंगे। सो आफ्टर 1848 में मोनार्की जो थे उन्होंने बहुत सारे वो मेजर्स लेकर आए जो कि वेस्टर्न यूरोप में ऑलरेडी थे बिफोर 1815, और दिस वॉज द एबोलिशन ऑफ सर्वडम। तो वो क्या क्या चेंजेस लेकर आए, सर्वडम सिस्टम जो था वो एबोलिश हुआ, बॉन्डेड लेबर जो था इन द एरिया ऑफ हेक्सबर्ग डोमिनियंस एरियाज में वो पूरी तरीके से अबॉलिश किया गया, और द हेक्सबर्ग रूलर्स जो थे ऑल्सो ग्रांटेड द राइट ऑफ, वहां पे भी सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम आ गया और हंगेरियंस को मिला इन 1857। तो ये था फाइनल आउटकम, जो हमने ये टॉपिक पढ़ा था रिवोल्यूशन उसका फाइनल आउटकम। अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ वुमेन, वुमेन स्टेटस जो इन नेशनलिज्म। तो सबसे पहला वुमेन ने भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन नेशनल स्ट्रगल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके बारे में हमें शॉर्ट नोट भी पूछते हैं तो अच्छे से याद रखना है। उन्होंने जितने भी मूवमेंट हुए उसमें इक्वली पार्टिसिपेट किया, उन्होंने मूवमेंट्स में फेस टॉर्चर ऑफ पुलिस,
लेकिन वो हमेशा मेल जैसे ही ब्रेव फ्री उन्होंने दिखाई, और लार्ज नंबर ऑफ वुमेन जो थे उन्होंने पॉलिटिकल मैटर्स में ओवर द ईयर पार्टिसिपेट किया। समटाइम्स दे लेट द मूवमेंट्स ऑल्सो, उन्होंने भी मूवमेंट किए, बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, न्यूज़पेपर्स मीडिया में आए वो, एंड टुक पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन भी पार्ट लिया। वुमेन जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया लिबरल मूवमेंट्स में भी, और ऑन 1848 को। लेकिन यहाँ पे कुछ दुख की बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, क्या कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू हुआ, ये ही दुख की बात है, ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू द वुमेन्स वॉज रेप, के हमने भी वुमेन्स को भी क्या चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स जो है वो चाहिए, वो बात की गई 18 मई को 1848 में। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस, ये डिमांड जो थी उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया, वोटिंग राइट जो है इस असेंबली में नहीं मिली। ये दुख की बात है, उन्होंने इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन किया लेकिन उन्हें कभी भी ऐसा स्टेटस या इंपॉर्टेंस नहीं मिली। और जब देखिए, जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में, तो वुमेन जो थे उन्हें कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिया गया था, उन्हें सिर्फ पार्ट बनाया दिया गया था ऑब्जर्व का, वो जो प्रोसेस हो रहा है उन्हें वो ऑब्जर्व कर सकते हैं लेकिन उन्हें फ्रीडम टू स्पीच वो कुछ बोल नहीं सकते। तो ये था रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, तो इसके बारे में भी हमें कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, हम फिर से देखते हैं, हमने यहां तक देखा था, अगेन एमर्जेंस ऑफ कंजर्वेटिज्म आया था, ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, लेकिन फिर से आ गए रिवॉल्यूशनरीज। अब एज ऑफ रिवॉल्यूशनरी चालू हुआ, उन्होंने कंजर्वेटिज्म रिगाइंग और मनार्की के खिलाफ जो है वो रिवॉल्यूशन किए। उसके अंदर हमने जुलाई 1830 रिवॉल्यूशन देखा, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखा, रोमांटिक नेशनलिज्म देखा, रोल ऑफ लैंग्वेज ने भी, जिसके अंदर हमने यहाँ पर कल्चर के बारे में पढ़ा था, कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, देन लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, देन रिवॉल्यूशन हुआ था सिलेसिया में जो कि वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में हुआ था, फिर हमने देखा था रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब हम मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफिकेशन ब्रिटेन इटली और जर्मनी, और एक टॉपिक जो है कॉन्फ्लिक्ट्स इन बाल्कन्स, और एक टॉपिक बचा उसके बाद जो कि है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये यूनिफिकेशन जो है हमें एनी हाउ एग्जाम में करके ही जाना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर दे रखा है, पहले जर्मनी की पोजिशन ऐसी थी एंड आफ्टर यूनिफिकेशन पूरा जर्मनी जो है वो यूनिफाई हो गया। तो अब हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सबसे पहले हमें इसी तरीके से याद रखना है, मेमोराइज करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्मनी में फेल्ड अटेम्प्ट बाय द मिडिल क्लास जर्मन, यूनिफिकेशन की ट्राई करी इन्होंने मिडिल क्लास जर्मनी ने, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल हो गए बिकॉज वो इतने पावरफुल नहीं थे। तो देखते हैं, देयर वाज वाइड स्प्रेड नेशनलिज्म फीलिंग अमंग द मिडिल क्लास जर्मन ड्यूरिंग 1848। अब उन्होंने दे ऑल्सो ट्राई टू बिल्ड जर्मनी एज अ, उन्होंने काफी मेहनत करी कि वो नेशन स्टेट बनाए जो कि कैसे गवर्न हो, वहां पर पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स हो, लेकिन इस इनिशिएटिव को रिप्रेस या कंट्रोल कर दिया गया बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की, आर्मी, और आर्मी को सपोर्ट किया वहां के लैंड ओनर्स जो थे प्रशिया के, जो जिन्हें जंकर्स बोला जाता था। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, हमको शॉर्ट में मोनार्की आई, आर्मी आई, और जंकर्स जो थे उन्होंने किसे सप्रेस कर दिया, मिडिल क्लास जर्मन्स को। देखिए, आपको यहाँ पर एकदम इजीली दे रखा है, सबसे पहला फेल्ड अटेम्प्ट बाय द मिडिल क्लास जर्मन, मिडिल क्लास जर्मन्स जो थे उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी जर्मनी को एज अ नेशन स्टेट बनाए, बट इन तीनों ने मिलकर मोनार्की, आर्मी और जंकर्स जो थे जो कि बिग लैंड ओनर्स थे प्रशिया के, उन्होंने मिडिल क्लास को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं वो जर्मनी को एज अ नेशन स्टेट में फेल हो गए, सक्सीड नहीं हो पाए। अब लेकिन देखते, बिकॉज वो फेल हो गए तो किसी ना किसी को लीडरशिप या जिम्मेदारी लेनी थी यूनिफिकेशन की, तो यूनिफिकेशन अंडर द प्रशियास लीडरशिप। अब ये जो इनिशिएटिव जो है यूनिफिकेशन का वो लिया गया, प्रशिया ने लिया, फ्रॉम 1848 प्रशिया ने लीडरशिप ली फॉर जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे हमें याद रखना है, प्रशिया के जो चीफ मिनिस्टर जो थे, बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, जो भी पूरा आर्किटेक्चरिंग या डेवलपमेंट का एस्टेब्लिशमेंट का काम जो था वो किसने किया, चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क ने। इसके बारे में हमें शॉर्ट नोट भी पूछते हैं, तो अच्छे से याद रखना है, क्या था रोल ऑफ बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो सबसे पहला, वो चीफ मिनिस्टर थे प्रशिया के और आर्किटेक्ट माने जाते थे जर्मन यूनिफिकेशन के, उन्होंने किसकी हेल्प ली,
प्रशियन आर्मी की हेल्प ली, अगर हमें यूनिफाई करना है तो पावरफुल होना पड़ेगा, तो इसीलिए उन्होंने प्रशियन आर्मी की हेल्प ली और वहां के गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी सिस्टम की हेल्प ली। अब उन्होंने क्या किया, थ्री वॉर्स लड़े उन्होंने ओवर द 7 ईयर्स, और इनके साथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और ये वॉर में वो फाइनली सक्सीड हुए, और विक्ट्री किसकी हुई, प्रशिया की, इनकी, और फाइनली यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का यहां से। अब देखते हैं फाइनल यूनिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। अब जो है फाइनली यूनिफिकेशन हुआ और प्रशियन किंग जो थे विलियम 1, उनको डिक्लेयर या प्रोक्लेम कर दिया गया जर्मन एम्परर। एक सेरेमनी हुई थी हॉल्स ऑफ मिरर इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स ऑन 18 जनवरी 1871 को, और इसी तरीके से यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब नया जो सिस्टम जो आया वहां पर क्या क्या मेजर्स लिए गए, जो न्यू स्टेट बना, जो यूनिफिकेशन हो गया था, उसके बाद किन किन पर एम्फेसिस दिया गया। तो सबसे पहला आपको दे रखा है मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, करेंसी को मॉडर्नाइज किया गया। नेक्स्ट बैंकिंग सिस्टम को अच्छा किया गया। नेक्स्ट लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। और प्रशियन मेजर्स और प्रैक्टिसेस लेटर ऑन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन के बाद ये जो सिस्टम लेकर आए वो काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल थे, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए रेस्ट ऑफ जर्मनी ने भी इसको अपनाया। तो अब हम बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एकदम शॉर्ट में। आई गारंटी यू कि आपको ये याद हो जाएगा। सबसे पहला फेल अटेम्प्ट जो था, मिडिल क्लास जर्मन ने ट्राई किया था, उन्होंने जर्मनी को एज अ नेशन स्टेट फॉर्म करने की कोशिश करी थी, बट बिकॉज मोनार्की आर्मी और जंगल्स के ग्रुप ने मिडिल क्लास को हरा दिया था, तो फेल अटेम्प्ट हो गया था। लेकिन किसी ना किसी को यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी या लीडरशिप लेनी थी, तो इसकी लीडरशिप जो है वो प्रशिया ने ली कि अब हमें यूनिफाई करना है जर्मनी को। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हमने देखा, चीफ मिनिस्टर जो कि थे बिस्मार्क, उसके बारे में। अब हमें रोल ऑफ बिस्मार्क पूछेंगे, अलग से शॉर्ट नोट भी पूछते हैं। तो वो सीएम थे प्रशिया के, आर्किटेक्ट थे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, उन्होंने इसकी हेल्प ली इन पावर्स को हराना, हेल्प फ्रॉम प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी के लिए। 7 ईयर्स में उन्होंने 3 वॉर्स लड़े विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस ने, और रिजल्ट क्या था, रिजल्ट हमने देखा ही, विक्ट्री हुई प्रशियन आर्मी की, और फाइनली प्रोसेस जो था यूनिफिकेशन जर्मनी का वो कंप्लीट हुआ। और बिकॉज जीत हुई तो प्रशियन किंग विलियम 1 को यहाँ का लीडर जो है वो बना दिया गया। तो इस तरीके से प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से याद करना, एंड आई होप आपको इस शॉर्ट से भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है ये टॉपिक भी। तो हमें ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जर्मनी की तरह ही इटली की भी लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब इटली भी अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड था और अलग अलग डिफरेंट पार्ट के रूलर्स थे। तो सबसे पहला हम यही देखते हैं कंडीशन ऑफ इटली बिफोर यूनिफिकेशन, या वो पूरी तरीके से इटली जो है वो पूरा फ्रेगमेंटेड था, डिवाइडेड था अलग अलग पार्ट में। तो देखते हैं, इटली वॉज स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइडेड था। नेक्स्ट, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, अच्छे से याद रखना है, इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और उसमें से एक ही रीजन जिसका नाम, तो देखिए आपको आउट ऑफ 7 ओनली 1 सार्डिनिया पिडमोंट, ये देखिए आपको ये वाला जो रीजन जो है सार्डिनिया पिडमोंट, ठीक है, ये जो था वो किसके कंट्रोल में था, ओनली यही रीजन इटालियन प्रिंसली हाउस के कंट्रोल में था। अब हम इसको शॉर्ट में देखते हैं क्या लिखा गया है, नॉर्थ जो है उसका कंट्रोल जो है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग में था, सेंट्रल की बात करें तो पोप, और साउथ की बात करें तो उनका कंट्रोल जो था वो बर्बन किंग में था। और ये जो सारे रीजन जो थे, इटालियन लैंग्वेज जो थी वहां पर बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी। तो यहां पर हमने देखा, तो हमने देखा इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, और ओनली सार्डिनिया पिडमोंट जो था वो इटालियन रूलर्स के कंट्रोल में था, बाकी अलग अलग रीजन्स के कंट्रोल में था, और नॉर्थ जो है वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंट्रल पोप एंड साउथ की बात करें तो बर्बन किंग के कंट्रोल में था। और ये सारे रीजन का रूल तो रूलर्स तो अलग ही थे, और उसी के साथ साथ लैंग्वेजेस भी अलग थी। तो ये कंडीशन थी बिफोर यूनिफिकेशन, जहां पे इटली पूरी तरीके से फ्रेगमेंटेड था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे रोल ऑफ गुजेप्पी मेज़नी, रोल ऑफ केवर एंड रोल ऑफ गिसेपी गैरिबल्दी एंड किंग विक्टर एमिलियन 2। तो ये हमें 4 पर्सनालिटीज जो है इनके नाम एकदम अच्छे से, प्लस इनका रोल क्या था हमें स्पेसिफिकली अलग से भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं जिसका बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, गिसेपी मेज़नी।
तो उन्होंने अपने लॉजिकल प्रोग्राम्स के थ्रू इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करी। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, ये हमने पहले भी देखा था, यंग इटली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स गोल। इटली को यूनिफाई करने के लिए यंग इटली बनाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी फेल हो गए। बट द फेलियर ऑफ द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग जो कि 1831 और 1848 में किया था उन्होंने, वो फेल हो गए। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी यूनिफिकेशन ऑफ इटली की, वो आ गई किंग विक्टर एमिलियन जो कि रूलर थे सार्डिनिया पिडमोंट के, और उन्हें ये थ्रू वॉर्स के थ्रू यूनिफिकेशन कंप्लीट करना था। आई होप आपको ये समझ आ गया। यहाँ पर सिंपल सा ये लिखा गया है, ग्यूसेप्पे मेसिनी ने भी ट्राई किया यूनिफाई करना, उन्होंने यंग इटली भी बनाई, लेकिन वो फेल हुए और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो थी वो आ गई किंग विक्टर एमिनल टू। ये हमने देखा ही था कि ये इनके कंट्रोल में था सार्डिनिया पिडमोंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रोल ऑफ काउंट कैमिलियो डे कैबर। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। सबसे पहला कैबर जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे पिडमोंट रीजन के, याद रखना है। किंग जो थे सार्डिनिया पिडमोंट के वो थे विक्टर एमिलियन, और सीएम की बात करें, चीफ मिनिस्टर की बात करें, तो वो थे कैबर। और वो ना ही डेमोक्रेट थे ना ही रेवोल्यूशनरी थे, वो सिर्फ चाहते थे कि यूनिफिकेशन हो इटली का। वो काफी ज्यादा वेल्दी और एडुकेटेड एलाइट थे, उन्हें काफी ज्यादा नॉलेज थी, और वो फ्रेंच जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से बोल पाते थे, इटालियन बेटर देन इटालियन। अब इसका फायदा जो था वो लैंग्वेज का फायदा उन्होंने उठाया, और अपने लैंग्वेज का यूज करके, अपने डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल का स्किल्स यूज करके उन्होंने, बिकॉज वो फ्रेंच अच्छे से बोल पाते थे, तो उन्होंने फ्रांस से हेल्प ली ताकि के वो किसे हरा सके, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। यहाँ पर हमने देखा ऑस्ट्रियन फोर्सेस को वो हरा सके, तो उन्होंने किसकी हेल्प ली, ऑस्ट्रियन फोर्सेस की। तो सार्डिनिया पिडमोंट प्लस फ्रांस की वजह से क्या हुआ, केवर ने हरा दिया ऑस्ट्रियन फोर्सेस को। ओके, अब हम देखते हैं रोल ऑफ ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी या गैरी बाल्डी। ओके, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रुप्स, रेगुलर ट्रुप्स तो थे ही, उसी के साथ साथ लोगों ने यूनिफिकेशन के लिए खुद ही अपने आप से वॉलेंट्री ज्वाइन किया आर्मी ऑफ ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। और इन 1860 अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी आम वॉलेंटियर जो थे वो साउथ इटली गए एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की यहाँ पर बात की गई है। ये देखो यहाँ पे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की बात की गई है। तो यहाँ पर आम वॉलेंटियर्स थे जैसे थे गैरिबाल्डी थे, उनकी लीडरशिप के अंदर वो यहाँ पर मार्च करके आए। और यहाँ पर पीजेंट्स की बात होगी हमें, यहाँ के जो पीजेंट जो थे ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी ने उनका सपोर्ट जो है वो जीत लिया, और विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू रिमूव। और इस तरीके से जो बर्बन डायनेस्टी जो थी स्पेनिश होल्डर जो थे उनका भी कंट्रोल जो है उनके हाथ में आ गया। आई होप आपको ये क्लियर। तो देखो एकदम शॉर्ट में, ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी आम वॉलेंटियर्स और वहां के लोकल पीजेंट जो थे उनका सपोर्ट जीत लिया, और इसकी वजह से फाइनली डिफीट हुआ स्पेनिश रूलर का। और इन सारे रोल्स की वजह से किंग विक्टर एमोलियन टू जो थे 1861 में उन्हें प्रोक्लेम कर दिया गया। अब पूरी तरीके से इटली यूनिफाई हो चुका था और उन्हें किंग बना दिया गया यूनिफाइड इटली का। अब हम देखते हैं एकदम शॉर्ट में, स्कैटर्ड था 7 रीजन में, उसमें से ओनली सार्डिनिया पिडमोंट जो था वो इटालियन प्रिंसली रूलर्स के हाथ में था, हाउस के हाथ में था। नॉर्थ जो है वो ऑस्ट्रियन हैबर्ग्स के, सेंट्रल जो है वो पोप, एंड साउथ की बात करें तो बर्बन किंग के हाथ में था। अब हमने यहाँ पर फोर पर्सनैलिटीज के बारे में देखा, ग्यूसेप्पे मेज़िनी, किंग विक्टर एमोलियन, केवर और ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। इसमें हम ग्यूसेप्पे मेज़िनी में हमने देखा दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई उन्होंने, उसमें से यंग इटली जो है वो फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए थी। उन्होंने दो वॉर 1831 और 1848 में लड़े, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो गए, और बिकॉज वो फेल हो गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके हाथ में आ गई, किंग विक्टर एमोलियन। अब हम केवर की बात करते हैं, उन्होंने कौन सा रीजन जीता है, ऑस्ट्रियन एम्पायर जो है वो जीत लिया। वो थे सीएम ऑफ पेडमोंट, अपने डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, बिकॉज उनके वो फ्रेंच अच्छे से बोल पाते थे, तो अपने स्किल से उन्होंने सपोर्ट जीता फ्रांस का, और केवर और फ्रांस ने मिलकर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को पूरी तरीके से हरा। अब हम बात करेंगे ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी की, उन्होंने जीता बर्बन को, और वॉलेंट्री आर्मीज विजिट गैरिबाल्डी जो थे वो गए किंगडम ऑफ टू सिसिलीज मार्च करके, और वहां पर उन्होंने जीता पीजेंट का सपोर्ट, और इन तीनों ने मिलकर बर्बन डायनेस्टी को हरा दिया। और इसका रिजल्ट ये था कि 1861 में विक्टर एमोलियन को किंग जो है यूनिफाइड इटली का बना दिया गया। आई होप आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट यूनिफिकेशन पढ़ते हैं जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन और स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, या हमें ये भी एग्जाम में इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं
स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है, और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दें तो वो बनता है यूनाइटेड किंगडम, और पूरे आयरलैंड आयरलैंड को जोड़ दें तो वो बनता है ब्रिटिश आयल। तो सबसे पहले हमने ये समझा। अब हम देखते हैं क्या लिखा गया है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट की बात की गई है, वो सडन अपहेवल या रिवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ था, नेशनल स्ट्रगल की वजह से नहीं होता, बट ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर कोई रिवोल्यूशन, लड़ाई, रिबेलियन ये सब नहीं हुए थे, ये जो यूनिफिकेशन जो है वो किसकी वजह से हुआ, पॉलिटिकल प्रोसेस से। तो ये भी हमें डायरेक्टली पूछ लेंगे ये पूरी लाइन, और यहाँ पर बोल देंगे एक्सप्लेन। तो अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो हमने देखा ब्रिटिश जो है वो प्रायर टू 18th सेंचुरी नेशन स्टेट नहीं था। ब्रिटिश आयल जो है, यहाँ पर हमने देखा ब्रिटिश आयल जो है वो अलग अलग एथनिक ग्रुप में डिवाइड था। तो ये देखिए आपको वाइस से याद रखना है, देखिए आपको यहाँ पर वेल्स, दिस इज आयरलैंड, देन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, यह अलग अलग एथनिक ग्रुप में डिवाइडेड था, और वाइस की अलग अलग कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन वाइज में से इंग्लिश का इंपॉर्टेंस जो है, वेल्थ जो है और पावर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, और वो दूसरे स्टेट्स में अपना इंफ्लुएंस जो है वो बढ़ाता गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की। इंग्लिश इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उन्होंने मोनार्की को सीज किया 1688 में एक कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू, और फाइनली इसकी जीत के बाद नेशन स्टेट जो है वो फॉर्म हुआ, और पूरा प्रमोशन जो था वो पूरा एट द सेंटर जो था वो इंग्लैंड ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बारे में, जिसके अंदर हमें याद रखना है एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से ही, जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, उससे फॉर्म हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इस तरीके से। तो इन 1707 एक्ट ऑफ यूनियन जो था वो किसके बीच में हुआ, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में, और इसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सून इंग्लैंड, अब इंग्लिश इतना ज्यादा एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से इतना ज्यादा पावर में आ गया था कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो स्कॉटलैंड में दिखाने लगा, और इवन द ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वहां पर भी डोमिनेशन या पावर जो था वो इंग्लिश मेंबर का था। लेटर ऑन जो भी कल्चरल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे स्कॉटलैंड के, उन्हें भी ब्रिटिश पावर ने कंट्रोल किया, सप्रेस किया, और जो भी कैथोलिक्स ग्रुप या क्लैंस जो होते थे जो कि स्कॉटिश हाईलैंड में रहते थे, जब भी वो अटेम्प्ट करते थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो उन्हें टेरिटरी रोक देते थे, रिप्रेस कर देते थे, और स्कॉटिश हाईलैंडर्स जो थे उन्हें फोरबिड कर दिया गया था कि अब आपको अपनी लोकल गैलिक लैंग्वेज जो है वो यूज नहीं करनी है, अपनी खुद की नेशनल ड्रेस नहीं पहननी है, और बहुत सारे स्कॉटिश हाईलैंडर्स जो थे उन्हें फोर्सिबली अपने घर से बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरीके से एक्ट ऑफ यूनियन की वजह से इंग्लिश का डोमिनेंस बढ़ गया। तो ये था इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आयरलैंड की केस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इंटू यूनाइटेड किंगडम, किस तरीके से यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट हुआ आयरलैंड। तो ये सेम है, इटली टू सफर द सिमिलर फेट, जैसे कि स्कॉटलैंड की बात करें वैसे ही सेम स्टोरी किसकी रही है, आयरलैंड की। आयरलैंड जो था वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड था सी एंड पी में। अब याद रखना है हमें कैथोलिक्स जो थे वो मेजोरिटी ग्रुप थी और प्रोटेस्टेंट जो थे वो माइनर थे, तो इसीलिए वो कैथोलिक्स पे अपना पावर नहीं दिखा सकते थे। बट बाद में क्या हुआ, इंग्लिश ने हेल्प करी माइनर ग्रुप की, दैट इज प्रोटेस्टेंट, और उन्होंने अपना डोमिनेंस दिखाया लार्जली कैथोलिक कंट्री पे, और इसके लिए कैथोलिक ने रिवोल्ट भी किया उनके अगेंस्ट, और वॉल्स टाउन और उनकी यूनाइटेड आयरिश में उन्होंने जो ग्रुप या आर्मी बनाई थी वो फेल हो गई। तो इंग्लिश और प्रोटेस्टेंट मिले और इसकी वजह से डिफीट हो गई कैथोलिक्स की, किनकी, वॉल्स टाउन एंड उनकी यूनाइटेड आयरिश मैन। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा हो एकदम अच्छे से। इन 1801 आयरलैंड जो था, और बिकॉज ऑफ द डिफीट उसको फोर्सली इनकॉर्पोरेट करना पड़ा यूनाइटेड किंगडम में, और इसकी वजह से एक नया ब्रिटिश नेशन फॉर्म हुआ, और जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कल्चर का पावर या डोमिनेंस था, नया फ्लैग दैट इज यूनियन जैक, द नेशनल एंथम गॉड सेव अवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट किया गया। तो ये था केस ऑफ आयरलैंड। अब हम समझते, ये देखिए आपको फ्लैग कितना ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया गया है, इंग्लैंड स्कॉटलैंड मर्ज हुए, स्कॉटलैंड के साथ आयरलैंड मर्ज हुआ, और इस तरीके से यूनियन जैक जो है पूरा मर्जर जो है वो इसमें इस फ्लैग में किया गया। इतना ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया गया है जिसमें सब सारे जो रीजन जो थे वो आ गए। अब हम शॉर्ट में देखते हैं
प्रायर टू 18 सेंचुरी की बात हो रही है, इंग्लैंड जो था वो नेशन स्टेट नहीं था, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे, वेल्श, आयरिश, स्कॉट्स और इंग्लैंड, और इंग्लिश ने अपना डोमिनेंस जो है वो बाकी के ग्रुप में वो दिखाने लगे। और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात करें तो वहां पर हमें एक्ट ऑफ यूनियन की बात करनी है, और इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन पार्लियामेंट जो इंग्लिश जो थे वो उनका डोमिनेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका था, जो पार्लियामेंट बनी उसके अंदर भी डोमिनेंस इंग्लिश का था, कल्चरल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को इंग्लिश ने सब सप्रेस कर दिया, जो कैथोलिक क्लाइंट जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते थे उन्हें सप्रेस कर दिया गया, उन्हें मना कर दिया गया कि वो कैलिक लैंग्वेज का यूज ना करें, अपनी नेशनल ड्रेस जो है वो नहीं पहने, और बहुत सारे जो स्कॉटिश जो थे उन्हें अपने घर से एक्साइल भी कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड, टू एथनिक ग्रुप थे, फर्स्ट जो था वो कैथोलिक जो कि मेजर ग्रुप था, और प्रोटेस्टेंट जो था वो माइनर ग्रुप था। अब देखिए माइनर ग्रुप की हेल्प करी इंग्लिश ने पी प्लस ए, और अपना डोमिनेंस जो है वो दिखाया कैथोलिक्स पे, इन दोनों के बीच में। कैथोलिक्स की बात करें तो उनके लीडर वोल्टोन और उनके बीच में रिवोल्ट हुआ, और हार किसकी हुई, कैथोलिक्स की, और इस तरीके से इंग्लिश और प्रोटेस्टेंट्स की वजह से कैथोलिक्स हार गए, और इसका रिजल्ट था आयरलैंड वॉज फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड इंटू यूके। फ्लैग की बात करें, नया फ्लैग जो कि हमने देखा था, तीनों का मर्जर हमने देखा था, नया फ्लैग यूनियन जैक जो है उसका डिजाइन किया गया, एंथम जो है उसको प्रमोट किया गया, गॉड सेव अवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट किया गया। आई होप आपको ये जो है एकदम अच्छे से शॉर्ट में भी क्लियर हो गया। ये देखिए आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ये जो भी टॉपिक जो दे रखे एकदम शॉर्ट में, ये देखिए और केस ऑफ आयरलैंड के बारे में आपको दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे तीनों यूनिफिकेशन प्रोसेस जो है वो एकदम अच्छे से इन डिटेल जो है वो कंप्लीट हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब सबका यूनिफिकेशन हो गया है, नेशन स्टेट क्रिएट हो गए हैं, तो अब नेशन को किस तरीके से डिपिक्ट किया जाए। जैसे हम इंडिया की बात करें तो हम इंडिया को एज ए भारत माता देखते हैं, तो वैसे ही जर्मनी में और फ्रांस में किस तरीके से नेशन को डिपिक्ट किया जाता था, क्या सिंबल्स यूज किए जाते थे, उसके बारे में दिया गया। तो सबसे पहला दिखता है आर्टिस्ट जो थे 18th और 19th सेंचुरी में, उन्होंने एक नया वे ढूंढा कि हम किस तरीके से पर्सोनिफाई करें, पर्सन पर्सोनिफाई, ओके पर्सन ही है इसमें, तो हम नेशन को किस तरीके से एक पर्सन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। आर्टिस्ट ने फीमेल फिगर्स को यूज किया ताकि के वो नेशन को पर्सोनिफाई कर सके। एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें तो भारत माता के वे में डिपिक्ट किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी आर्टिस्ट जो है वो फीमेल एलिगरी या सिंबल का यूज करते थे ताकि के वो लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक जैसे आइडियाज जो है वो लोगों में दे सके। तो पहले हम समझते हैं एलिगरी, जो कि डेफिनेशन हमें पूछी जाती है, ये एक तरह का साइन या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जैसे लिबर्टी हो गया, फ्रीडम हो गया, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं या तो पर्सन या थिंग से, जैसे ब्रोकन चेन्स क्या, चेन्स जो है वो थिंग में आ गया, पर्सन जो है वो मेरियन और जर्मेनिया में आ गया, वुमेन जो थे। तो अब हम देखते हैं टू रिप्रेजेंट आइडल्स सिंबल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स जो है वो आर्टिस्ट यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए लिबर्टी, रेड कैप जो है वो लिबर्टी को रिप्रेजेंट करती थी, ब्रोकन चेन को रिप्रेजेंट करती थी, ब्रोकन चेन जो है वो लिबर्टी को रिप्रेजेंट करते थे, और जस्टिस जो है वो जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, आपने देखा ही होगा ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, और उनके हाथ में वेट्स एंड मेजर्स या तराजू होता था, तो वो जस्टिस को डिपिक्ट करते थे। तो ये भी हमें ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फीमेल एलिगरी मेरियन एंड जर्मेनिया के बारे में, डेफिनेशन भी अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जर्मेनिया और मेरियन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरियन और जर्मेनिया। तो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की एलिगरी जो थी वो मेरियन थी, क्रिस्टियन उनको नाम दिया गया एज अ मेरियन जो थी वो फ्रांस की एलिगरी थे। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे से याद रखनी है, लिबर्टी और रिपब्लिक को वो डिपिक करते थे, रेड कैप जो की लिबर्टी है, ट्राई कलर फ्लैग जो होता है, एंड पॉकेट जो यहाँ पर पहनते हैं एक काइंड ऑफ ज्वेलरी, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी। उनकी स्टेचूज जो है वो पब्लिक स्क्वायर चौराहों पर लगाई गई, और उनकी लोगों को अगर इंस्पिरेशन और नेशनलिज्म फीलिंग जाने के लिए कॉइन्स में स्टैम्प्स में लगाई गई ताकि के वो कन्विंस या पर्सुएट कर सके हम फ्रांस के नेशन को। जर्मेनिया की बात करें तो जर्मेनिया जो था वो एलिगरी बना जर्मन नेशन का, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। जर्मेनिया जो है वो क्राउन पहनती है, मुकुट पहनती है, जो कि ओक लीफ से बना हुआ है, और ओक लीफ जो है वो डिपिक्ट करती है हीरोइज्म। तो ये भी हमें ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, तो ये अच्छे से हमें याद रखना है,
ये भी हमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अलग अलग टाइप के आपको एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, यहाँ पर ये सारे एट्रीब्यूट्स है, ब्रोकन चेन्स हो गया, वो पिंग फ्रीडम मिली है, तो इस तरीके से अलग अलग ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से नेशन को विजुअलाइज किया गया है। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम देखते हैं अब कॉन्फ्लिक्ट्स इन द बाल्कन। तो सबसे पहला इसके लिए हमें डेफिनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में टाइटल दे रखा है, इंपेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म और नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। तो हम इंपेरियलिज्म का मतलब समझते हैं। इंपेरियलिज्म एक पॉलिसी है ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्री पावर, कंट्री के पावर को बढ़ाने के लिए एक ऐसी पॉलिसी, हम पावर किसके थ्रू बढ़ाएंगे, विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री एंड अदर मीन्स, अलग अलग मीन्स को यूज करके हम पावर जो है अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाएंगे। अब हम सबसे पहला इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बाल्कन एरिया की, तो आपको यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है। एन एरिया नोन एज द बाल्कन जो था वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया बना, एमर्ज एज द मोस्ट डिजायर्ड एरिया टू फुलफिल द इंपेरियलिस्टिक गोल्स ऑफ यूरोपियन। सब जो थे सबको चाहती के बाल्कन एरिया का कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में आ जाए। अब ये हमें पूछ सकते हैं, यहाँ पर बाल्कन एरिया के देखिए आपको अलग अलग रीजन जो है वो दे रखे, तो अलग अलग बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, अलग अलग रीजन थे, और यहाँ के लोग जो यहाँ पर रहते थे, और ये जो पूरे रीजन जो थे वो कंट्रोल में थे ओटोमन या मुस्लिम एम्पायर में, और यहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स जो थे उन्हें बोला जाता था स्लैब। तो ये भी हमें ऑब्जेक्टिव के व्यू पॉइंट से अच्छे से याद रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेन टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, कॉसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द बाल्कन। बाल्कन्स में क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ? तो सबसे पहला पॉइंट, ये एक ही सेंटेंस है, मैंने आपको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है बिकॉज स्टूडेंट्स को अच्छे से याद है, तो एग्जाम में हमें पूरा एक ही पॉइंट लिखना है। बाल्कन जो था वो कंट्रोल किसके कंट्रोल में था? ओटोमन एम्पायर में। ओटोमन एम्पायर जो था वो एम्पायर था जिसने ग्रीस ने भी ओटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस ली थी। अब बिकॉज ग्रीस ने इंडिपेंडेंस ले ली तो धीरे धीरे लोगों के अंदर भी नेशनलिज्म, रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग आई, और ओटोमन एम्पायर का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे चला गया, और इसकी वजह से चालू हुआ टेंशन इन द बाल्कन रीजन। दो रीजन अच्छे से याद रखने हैं, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आना और ओटोमन एम्पायर का फॉल होना, ये दो रीजन थे जहां से शुरुआत हुई टेंशन की। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी की। ऑल्दो ओटोमन एम्पायर ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, स्ट्रेंथन करे, किसके थ्रू? मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स के थ्रू, लेकिन वो जो है अपने आप को सक्सीड जो है वो नहीं कर पाया, और इस तरीके से ओटोमन एम्पायर जो उसने कोशिश करी लेकिन वो फेल हो गया। अब नेक्स्ट, द रीजंस विद यूरोपियन सब्जेक्ट अंडर इट्स कंट्रोल बिगेन टू सेपरेट अवे। अब धीरे धीरे ये रीजन जो थे आपस में कंट्रोल में नहीं रहने लगे, और धीरे धीरे सारे रीजन जो है वो आपस में कंफ्लिक्ट करने लगे ताकि के वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बन जाए। नेक्स्ट, बाल्कन पीपल जो थे वो सिर्फ और सिर्फ प्रेस दे रहे थे ऑन इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस दैट दे वर वंस इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। यहाँ पर वो ये बोल रहे कि हम अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई इसलिए लड़ रहे बिकॉज पहले हम इंडिपेंडेंट थे, फिर बीच में फॉरेन पावर्स आए, हम पर कंट्रोल जमाने लग गए, तो अब हमें फिर से कोई, हम पहले इंडिपेंडेंट थे, हमें फिर से किसी के कंट्रोल में नहीं रहना है पावर, फॉरेन पावर से, तो इसीलिए बाल्कन पीपल जो है वो आपस में भी जगड़ने लग गए फॉर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, इसीलिए यहाँ पे रिवोल्ट करने लगे बाल्कन जो थे, स्ट्रगल करने लगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी चाहिए और हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारा पावर जो है वो बढ़ जाए। और इसी के साथ साथ देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिचुएशन बिकम मोर इंटेंस, और भी ज्यादा सिचुएशन इंटेंस हो गई बिकॉज ऑन वन साइड बाल्कन तो था ही, वॉज एंट्रिंग इन टू द राइवलरी कॉम्पिटिटर्स के साथ, और दूसरी साइड मेन यहाँ पर बात हो रही है यूरोपियन पावर्स की जो कि आ गए सीन में। पहले बाल्कन्स वाले ही खुद आपस में लड़ रहे थे और इसी के साथ साथ दूसरी साइड यूरोपियंस जो है वो भी आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं, द यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इनटू द राइवलरी, बाल्कन्स की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रही थी, अब एंट्री हो गई मेन यूरोपियन पावरफुल एम्पायर की, और इसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। पावर्स जैसे कि देखिए, GREA, टी नहीं है, GREA, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी जो थे वो आपस में बाल्कन रीजन को पाना चाहते थे, और इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वॉर बढ़ गए कि इससे सिचुएशन हो गई बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आई होप आपको ये कॉसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन बाल्कन भी एकदम अच्छे से, इसको अच्छे से करते जाना है,
प्लीज डोंट इग्नोर दिस टॉपिक। यूनिफिकेशन जो है तीनों एंड कॉन्फ्लिक्ट इन बाल्कन, ये एकदम अच्छे से करके जाना है। आई होप आपको पूरा नेशनलिज्म इन यूरोप जो है सिनॉप्सिस के थ्रू एकदम अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट सिनॉप्सिस मैंने जो वीडियो में रिप्रेजेंट किए हैं, अगर आप उसी को भी समझ के जाए पहले डिटेल में पढ़ ले, और सिनॉप्सिस भी आप खुद बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इस तरीके से आपका नेशनलिज्म इन यूरोप जो 9 मार्क्स हमने देखे थे जो कि बोर्ड पेपर में पूछे गए थे, उसे हमें अच्छे से याद करना है क्या क्या टॉपिक्स है। तो इस तरीके से आई गारंटी यू आपका पूरा चैप्टर जो है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। थैंक यू।